सबसे पहले दोस्तों यहां पर प्रूफ देख लो कि यहां पर तीन तीन पॉलिसी इशू हमारे ऑफिशियल पेज पे आई हुई है, तो यहां पर इनको मैं लाइव प्रूफ आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूं। यहां पर आपको अनओरिजिनल कंटेंट सोल्व करके दिखाने वाला हूं एवं इन दोनों प्रॉब्लम्स को ऊपर वाली मैंने सोल्व कर लिया है। तो भैया मैंने कैसे सोल्व किया है आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना, नहीं तो बिल्कुल भी आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बताना चाहूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं अधिकतर लोगों के पास अनओरिजिनल कंटेंट देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग घबरा जाते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो आपको घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको लाइव प्रूफ आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। या कहीं आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है, या कुछ इस तरीके का, या कुछ इस तरीके से, या कोई अदर आपके पास पॉलिसी इशू आ गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको मैं लाइव प्रूफ सॉल्व करके दिखाने वाला हूं अनओरिजिनल कंटेंट, यानी कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, और ये यहां पर प्रेफरेंस नॉट स्टेबिलिट, यानी जो प्रेफरेंस नॉट स्टेबिलिट है इसको तो आपको 28 दिन में ऑटोमेटिक हटा दिया जाता है, तो आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इन दोनों को हम कैसे हटाएंगे, भैया मैंने तो हटा लिया, आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम बची है अनओरिजिनल कंटेंट, तो ये क्यों आता है और इसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमको कमेंट्स करते हैं कि सर मेरे को 2 महीना हो गया, मेरे पास से एलओसी नहीं हट रहा है या अनओरिजिनल कंटेंट नहीं हट रहा है। तो भैया आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो यहां पर आपने देख लिया ये स्क्रीनशॉट है मेरा पहले का, यानी कि ये प्रॉब्लम हमारे पास पहले आई हुई थी, लेकिन इन दोनों प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व कर दिया है। तो मैंने कैसे सॉल्व किया है अब इसको मैं लाइव प्रूफ आपके सामने सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने फेसबुक पे। तो यहां पर क्या कर देते हैं, इसको हम यहां से क्या कर देते हैं, कट कर दिए। अब कट करने के बाद में यहां पर हम ओपन कर लेते हैं अपना फेसबुक। तो यहां पर भैया मैंने फेसबुक अपना ओपन कर लिया। अब यहां पर देख सकते हैं हमारे पास अनओरिजिनल कंटेंट बचा है और दोनों पॉलिसी इशू हट गई। तो कैसे हट गई और हमने कैसे हटाया, वही तरीका आज आपको बताने वाला हूं। भैया अगर आपके पास में कोई इन प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आप इन स्टीम के द्वारा अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे हटाया जाता है, थोड़ा हम एक बार बैक होते हैं। यहां पर थोड़ा हम बैक खोलिए, यहां पर क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है, रीच भी हाईएस्ट है, ठीक है। यहां पर पहले मैं इस पेज पे भैया कॉपी पेस्ट का काम करता था, लेकिन मैंने सोचा इसको ऑफिशियल पेज बना दिया जाए, क्योंकि आप लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और मुझे टाइम आ गया है फेसबुक पे अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करने का, क्योंकि आप लोगों की बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है, सर आप अपना ऑफिशियल पेज नहीं बताते, क्योंकि कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट हम पेज दिखा नहीं सकते। वो इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत से ऐसे यूजर्स हैं दोस्तों कि हमारे पेज पे रिपोर्ट कर देते हैं, या बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो रिपोर्ट कर देते हैं, तो प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हम अगर कॉपी पेस्ट कंटेंट का वर्क करते हैं तो आपको पेज किसी को दिखाना नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहां पर थोड़ा क्या खोलते हैं, बैक खोल लेते हैं। तो यहां पर ये मेरा ऑफिशियल पेज है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि 1,35,000 इस पे फॉलोअर है, लेकिन मैंने इसमें क्या किया हुआ है, अगर हम जाते हैं वीडियोज में तो वीडियोज में मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो यहां पर डाले हुए हैं। यहां पर एक ए वीडियो डाला हुआ है और यहां पर एक ए वीडियो डाला हुआ है, यानी हमने एक लाइव किया हुआ है, सिर्फ एक लाइव में मेरा एलओसी हट गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया, कोई मंत्र नहीं मार दिया है, और सिर्फ आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से जान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके पास प्रॉब्लम कभी भी आने वाली नहीं है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक मैंने लाइव किया जिसमें क्या है 5,700 व्यू गया है मेरे लाइव में, और इस लाइव को मैंने 5 मिनट का किया हुआ है। इसके पहले मैंने अपना वीडियो डाला हुआ है जो 457 व्यू गया है। अगर मैं अपने इस वाले वीडियो को डिलीट मार दूंगा तो मेरा पॉलिसी इशू हट जाएगा अनओरिजिनल कंटेंट का। एक किस लिए आया है, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, लेकिन फेसबुक टीम को अभी तक नहीं पता है कि ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, इसलिए उन्होंने हमको अनओरिजिनल कंटेंट जो है दे रखा है, इसलिए वो नहीं हटाया। अगर हम इस पे 2-3 लाइव कर देंगे लगातार तो ये अनओरिजिनल कंटेंट हट सकता है। अगर फिर भी नहीं हटा तो हम क्या करेंगे, उसका भी आपको तरीका बताने वाले हैं। अगर आप 1-2 महीने से इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, या आपको 10 से 15 दिन हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन लाइव करना है। इस वाली प्रॉब्लम को अनओरिजिनल जो कंटेंट है इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा आज के
दस दिन बाद आपको लाइव प्रूफ 10 दिन के बाद में दिखा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आज की डेट क्लिक करके रख लो, 10 दिन बाद इसी पेज पे जो है हमारे ए पॉलिसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा क्या करूंगा इस पे वो भी आपको दिखाने वाला हूं, तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहती है। तो यहां पर आपको करना क्या होता है भैया वो हम बताने वाले हैं। यहां पर आपको अपना पेज ओपन कर लेना है। अगर 10 दिन आपको हो गए हैं तो आपको करना क्या होता है, यहां पर आपको जाना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाने के बाद में यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पेज एसेस वाला, तो यहां पर आपको मेरी आईडी जो है एडमिन में दिखाई दे रही। अब आपको एक फ्रेश आईडी पर पेज को ट्रांसफर कर देना है। अब पेज को ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि आप अपने आईडी का एडमिन चेंज कर दें और पुराने वाले एडमिन को हटा दें। तो भैया एडमिन हम कैसे चेंज करते हैं, तो यहां पर क्या करना है ऐड न्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहां पर ऐड न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहां पर आपको सर्च करना है नेम या ईमेल। तो यहां पर बाय द वे हम कोई नेम सर्च कर लेते हैं, जो भी नेम हम सर्च करना चाहेंगे। यहां पर बाय द वे हम मोनिश सर्च कर देते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने क्या सर्च कर दिया, मोनिश। तो यहां पर मोनिश बहुत सारे मोनिश आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बाय द वे ये मोनिश है, तो इस मोनिश पे क्या कर देंगे हम एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हम कौन सा एसेस देना चाहते हैं, तो हमको फुल एसेस भैया दे देना है, ठीक है। यहां से सब पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अगर आप कभी किसी को पेज ट्रांसफर करते हैं तो आपको फुल एक्सेस नहीं देना होता है, अगर आप टेम्परेली किसी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। बाय द वे आपको अगर फुल एक्सेस देना है तो इन सब पे क्लिक कर देना है आपको। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्यू वाला, ठीक है। तो यहां पर ग्यू एसेस पे अगर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फेसबुक में यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, जब किसी को आप पेज ट्रांसफर करते हैं या अपनी फ्रेश वाली आईडी पर ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर एक्सेप्ट करने का एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर देंगे तो वो पेज आपके प्रोफाइल में आ जाएगा, यानी कि आपके प्रोफाइल में वो पेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफाइल में पेज जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जहां से आप पेज देखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पेज हमारे दिखाई दे रहे, इस तरीके से दिखाई देने लगे। अब भैया इस वाले पेज से इसको क्या कर देना है, हमारा जो ए वाला एडमिन है दूसरा वाला, इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद में आपको पेज एसेस पे दोबारा क्लिक करके यहां पर क्लिक करके यहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा रिमूव करने का, ठीक है। व्यू पे क्लिक कर देंगे तो रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप रिमूव कर देंगे और इस आईडी से पेज रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक फ्रेश आईडी पर पेज को ट्रांसफर कर लेना है। अगर इस ट्रिक को आप अपनाते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका अनओरिजिनल कंटेंट हट जाएगा। अगर आप दिन भर में कम से कम 3 से 4 लाइव कर देते हैं 15-15 मिनट के, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन लगेगा, 8वां दिन नहीं लगेगा, आपका अनओरिजिनल कंटेंट गायब हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है और गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर मैं आपको लाइव सॉल्यूशन देता हूं, यानी कि 10 बजे मैं लाइव आता हूं रात में और आप लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं। अगर किसी कारणवश मैं लाइव नहीं आ पाता हूं तो मैं विद कॉल सपोर्ट करता हूं। इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए 24 आवर रेडी रहता हूं। तो अब आपको करना क्या भैया, लाइव कैसे करना, लाइव करने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो लाइव कैसे करना, यहां पर आप लोग देख सकते हैं जैसे आप ओपन करेंगे अपना पेज तो यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, व्हाट इज योर माइंड। तो यहां पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूं। फिर उसके बाद में आपको यहां पर लाइव वीडियो पर क्लिक कर देना है। जैसे लाइव वीडियो पर क्लिक करेंगे यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरा का, तो कैमरा आपको फ्रंट वाला ऑन कर लेना है। जैसे फ्रंट वाला कैमरा ऑन करेंगे कुछ इस तरीके की कंडीशन आपको दिखाई दे जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो यहां से फिल्टर वगैरह यूज कर सकते हैं, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर नहीं यूज करना चाहते तो आपको गो लाइव पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे यहां पर क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं मेरा लाइव दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। यहां पर आप चेक भी कर सकते हैं, ये यहां पर लाइव जो है दिखाई दे रहा है और मेरी ऑडियंस आएगी, मैं अपनी ऑडियंस से लाइव प्रूफ बात कर सकता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं मेरा लाइव स्टार्ट है। यहां से हम अगर चाहें तो यहां से कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहां से क्या कर देना है आपको दोस्तों, कमेंट भी करना है। यहां पर आप कर सकते हैं कमेंट्स, तो यहां पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर हेलो लिख दिया, तो इस तरीके से आपको लिखना भी है और अपने दोस्तों से बात भी करना है कि कैसे हो दोस्तों, इस तरीके से आपको कमेंट भी कर देना है। इस तरीके से आपको कमेंट करना है। यहां पर देख सकते हैं एक व्यूअर हमारा यहां पर आ चुका है, यहां पर एक दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपके सारे व्यूअर्स आएंगे,
उन व्यूअर से आपको बात करना होगा, और व्यूअर से आपको बात करना है, पूछना है अगर वो आना चाहते हैं। यहाँ पर तीन व्यूअर हमारे आ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या कर देना, आपको यहाँ पर क्लिक करके अगर चाहें तो शेयर भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम इन लोगों से बात कर लें तो इन लोगों से आप बात भी कर सकते हैं। यहाँ से रिक्वेस्ट पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को अगर यहाँ पर ये रिक्वेस्ट भेज देंगे तो यहाँ से आप उनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ से उन ऑप्शंस को आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लिए 4 या 5 से लोग हमको देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको लाइव करना है, और लाइव करेंगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइव में हो सकता है। तो आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। जैसे मेरे दोस्त आ गए तो आपको बोलना है कि हेलो दोस्तों, आपका वेलकम हो गया, कैसे हैं भाई आप, बात करना चाहते हैं तो आप लाइव में आइए ना। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाता हूं, तो आप लोग मेरे लाइव पे आते रहेगा, बात करते रहेगा, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा यार, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इस तरीके से आपको अपने लाइव को कम से कम 5 मिनट भैया चलाना होगा। 5 मिनट से आपका लाइव ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम से कम आपका लाइव अगर 15 मिनट का कर देते तो आपकी प्रॉब्लम 100% 15 दिन नहीं लगेगा, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है 1 हफ्ते के अंदर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इस तरीके से आपको लाइव करने के बाद में आपको करना क्या है, यहां पर आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आपकी लाइव खत्म हो जाएगी, यहां पर फिनिश पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहां पर आप चाहते हैं प्राइवेसी, तो प्राइवेसी आपको पब्लिक रखनी है। फिर यहां पर डिलीट सेटिंग का ऑप्शन है 30 दिन में, तो यहां पर आपको क्या कर देना है, यहां पर क्लिक करके आपको नेवर डिलीट पे सिलेक्ट कर देना है। नेवर डिलीट पे जैसे सिलेक्ट कर देंगे, इसका मतलब है कि आपकी जो पोस्ट है कभी भी डिलीट नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको करके फिर उसके बाद में क्या कर देना, आपको यहां से पोस्ट कर देना है। जैसे आप पोस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से रील भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रील वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हम चाहें तो इसको रील भी बना सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हम रील इसको नहीं बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर रील नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने लाइव जो है पब्लिक कर दिया है, ठीक है। तो ये लाइव जो है मेरा पब्लिक हो गया है, तो ये लाइव हम यहाँ पर आपको दिखा भी सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 मिनट पहले मैंने लाइव किया हुआ है, यहाँ पर लाइव जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने 2 कमेंट्स किया हुआ था, तो 2 कमेंट्स यहाँ पर दिखाई भी दे रही। तो इस तरीके से आपको क्या है करना पड़ेगा, इस तरीके से अगर कर देंगे तो 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं आपके लाइव पे व्यू भी आएंगे और लोग कमेंट भी करेंगे और आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मेरे ऑफिशियल पेज को चेक कर सकते हैं, टेक्निकल स्पीड आपको दिखाई भी दे जाएगा, और इसको अगर चेक करेंगे तो व्यू भी इस पे आएंगे अच्छे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर देना है। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सोल्व होती है तो क्या करेंगे, आपके पास बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो उसके लिए भैया आपको फीडबैक देना पड़ेगा। अगर फीडबैक देना नहीं आता है तो आपको मैं टेक्स्ट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप टेक्स्ट कॉपी कर लीजिएगा, आप सेटिंग में जाकर के फीडबैक कर सकते हैं, जिससे फेसबुक टीम आपकी प्रॉब्लम को समझेगी, देखेगी और बहुत ही जल्दी सोल्व कर देगी। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि हमारे वीडियोस का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।